कर्नाटक के बाद अब यूपी नगर निकाय चुनाव का एग्जिट पोल आ गया है। नगर निगमों की 10 सीटों पर भाजपा जीतती हुई नजर आ रही है, वहीं 5 सीटों पर कांटे की टक्कर है। इसके अलावा 1 सीट सपा और 1 सीट बसपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग बृहस्पतिवार को समाप्त हो गई। दूसरे चरण में 38 जिलों में मतदान हुआ, वहीं पहले चरण में प्रदेश के 9 मंडलों के 37 जिलों में वोटिंग हुई थी। अब सबको 13 मई यानी शनिवार को नतीजों का इंतजार है। नतीजों से पहले 17 नगर निगम में हार जीत का एग्जिट पोल आया है। सबसे पहले यूपी की राजधानी लखनऊ नगर निगम की बात करें तो यहां बीजेपी को भारी बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। यहां तमाम दलों को पछाड़ते हुए बीजेपी उम्मीदवार सुषमा खड़कवाल काफी आगे हैं। वहीं लखनऊ के पड़ोसी नगर निगम कानपुर में भाजपा काफी आगे है। कानपुर में बीजेपी की प्रमिला पांडे एक बार फिर वापसी करती नजर आ रही हैं। यहां फिर कमल खिलता दिखाई दे रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर जाती दिख रही है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मेयर पद के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार अशोक कुमार तिवारी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। प्रयागराज की ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। यहां बीजेपी उम्मीदवार गणेश केसरवानी को जीत मिल सकती है। गोरखपुर के एग्जिट पोल की बात करें तो यहां साफ तौर पर बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। गोरखपुर में बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव की जीत की संभावना है। रामनगर अयोध्या में भी बीजेपी को बढ़त मिल रही है। यहां बीजेपी के उम्मीदवार गिरीशपति त्रिपाठी बाजी मार सकते हैं। झांसी नगर निगम के चुनावी समीकरण की बात करें तो यहां पर बीजेपी को बढ़त हासिल होती दिख रही है। यहां भाजपा उम्मीदवार बिहारी लाल आर की जीत संभव है। आगरा के चुनावी समीकरण में बीजेपी और बीएसपी की कांटे की टक्कर है। यहां से भाजपा ने हेमलता दिवाकर, सपा ने जूही प्रकाश और बसपा ने लता वाल्मीकि को अपना उम्मीदवार बनाया है। सहारनपुर में भी कड़े मुकाबले में बीएसपी को फायदा होता दिख रहा है। यहां इमरान मसूद की भाभी खदीजा बीएसपी से उम्मीदवार हैं। इमरान यहां काफी अच्छी सियासी पकड़ रखते हैं। साथ ही मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण को देखते हुए माना जा रहा है कि इस बार सहारनपुर की सीट पर बीएसपी को बढ़त मिल सकती है। फिरोजाबाद में बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी की टक्कर है। यहां भाजपा ने कामनी राठौर तो सपा ने मसरूर फातिमा को टिकट दिया है। मुरादाबाद में बीजेपी के साथ कांग्रेस का मुकाबला है। सपा यहां तीसरे नंबर पर है, वहीं बीएसपी चौथे नंबर पर है। यहां भाजपा ने विनोद अग्रवाल, सपा ने सैयद रईसुद्दीन, बसपा ने मोहम्मद यासीन और कांग्रेस ने हाजी रिजवान कुरैशी को टिकट दिया है। मथुरा में कांग्रेस समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी और बीजेपी के बीच टक्कर है। भाजपा ने विनोद अग्रवाल, सपा ने तुलसी राम और कांग्रेस ने श्याम सुंदर को अपना समर्थन दिया है। मथुरा में भी कड़ी टक्कर मानी जा रही है। यहां बीजेपी और सपा के बीच मुकाबला है। गाजियाबाद में भाजपा की मजबूत स्थिति दिख रही है। बीजेपी उम्मीदवार सुनीता दयाल को बड़ी बढ़त मिलती दिख रही है। शाहजहांपुर में बीजेपी उम्मीदवार अर्चना वर्मा को बड़ी बढ़त मिलती दिख रही है। बता दें कि अर्चना वर्मा चुनाव से ठीक पहले सपा छोड़कर बीजेपी में आई थीं। बरेली में भाजपा की स्थिति काफी मजबूत दिख रही है। डॉक्टर उमेश गौतम को बड़ी बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं मेरठ में कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है। यहां भाजपा के हरिकांत अहलूवालिया और सपा की उम्मीदवार सीमा प्रधान के बीच टक्कर है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।